करने वाले हैं नील कमल के इस मल्टीपर्पज रैक के बारे में। ये रैक मैंने मंगवाया था शू स्टोरेज के लिए, शू रैक बाहर रखने के लिए। तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था ये उससे काफी अच्छी क्वालिटी में है, साथ ही इसका जो साइज है वो भी काफी बड़ा है। इस पर आराम से 3 पेयर शूज एक रैक पर आ सकते हैं, तो टोटल हम इसमें 9 पेयर ऑफ शूज को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो नील कमल का ये मल्टीपर्पज रैक है या शू रैक है, ये मुझे इसका MRP था 1100 रुपए के आसपास, लेकिन ये मुझे 1000 रुपए के डिस्काउंटेड प्राइस पर मुझे मिला। अभी जब अमेजोन पर और भी डिस्काउंटेड डेज आते हैं तो उनमें ये 800 रुपए के आसपास भी मिल जाता है। तो ये नील कमल की तरफ से ये मल्टीपर्पज शू रैक जो है काफी अच्छी स्पेस है। इसके बारे में अगर बात करें तो प्लास्टिक क्वालिटी काफी स्टैंडर्ड प्लास्टिक क्वालिटी यूज किया गया है, इस तरीके के बॉक्स पैकेजिंग के अंदर ये मेरे पास आया था। उसके बाद इसको असेंबल करना काफी आसान है। असेंबल करने के लिए इसके तीनों शेल्स को, इसके लेग्स को और एक साथ लगाना होता है, बहुत ही आसान है। और इसके साथ में ये एक पेपर पर आपको इसका मैनुअल भी दिया हुआ है कि किस तरीके से इसको जोड़ना है। उसके बाद में अब हम इस शू रैक के कलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मरून कलर में डार्क ब्राउन कलर कह लीजिए, वो कलर मैंने परचेज किया है। इसके अलावा एक लाइट ब्राउन कलर भी आता है। तो शू रैक क्योंकि गंदा ज्यादा हो जाता है, डार्क कलर में ही मुझे सही लग रहा था, तो इस वजह से मैंने डार्क कलर में परचेज किया। इस शू रैक की खास बात हम देख लेते हैं। तो ये शू रैक इस तरीके से जाली वर्क की डिजाइन में है, तो शूज आराम से इस पर आप रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पीछे की तरफ एक स्टॉपर है, तो आप जब शूज रखें तो वो एक सर्टेन एंगल पर टिल्ट होते हैं और साथ ही पीछे वो स्टॉपर की वजह से गिरते भी नहीं है। तो आप इसको जब रखते हैं या दीवार के सहारे रखते हैं तो दीवार भी गंदा नहीं होता है, क्योंकि शूज दीवार को टच नहीं करते हैं। अब इनके बीच के गैप की हम बात कर लेते हैं। तो गैप, एक आइडियल गैप यहाँ पर दिया हुआ है, आराम से आप कोई भी शूज को इसमें रख सकते हैं, जो भी आइडियल शूज है। साइज के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल सही लगा। और इसके नीचे की तरफ अगर देखें तो नीचे की तरफ भी लेग्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से क्लीनिंग काफी आसान हो जाती है इसके नीचे। और ये जो मल्टीपर्पज शू रैक है कुछ इस तरीके से इसका आगे का लुक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई, ये जो इसका स्टॉपर है कुछ इस तरीके से है। तो मुझे तो ये मल्टीपर्पज शू रैक नील कमल की तरफ से काफी शानदार लगा, बहुत ही ड्यूरेबल है, काफी अच्छा मजबूत प्रोडक्ट है। इस तरीके के शू रैक पर ना केवल आप शूज रख सकते हैं, उसके अलावा भी आप दूसरी चीजों में, जब आपको मान लो ये कोई और काम में लेना है तो आप इसमें अपने बच्चों की बुक्स रख सकते हैं, टॉयज रख सकते हैं। तो काफी मल्टीपर्पज है, इसका डिजाइन बहुत ही एलिगेंट है और साथ में इस शू रैक को क्लीन करना भी बहुत आसान है। तो मुझे तो ये शू रैक बहुत ही प्यारा और अच्छा लगा, बहुत ड्यूरेबल है, काफी टाइम चलने वाला है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप आज ही हमसे जुड़े हैं। और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।